नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं सिल्वर क्रिकेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाली है वनडे सीरीज़। जैसा कि हम सभी ने देखा कि भारत ने T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप उन्हीं के घर पर जाके इतने शानदार तरीके से वो सीरीज़ जीती और विराट कोहली पहले ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाके T20 सीरीज़ जीती है। तो जिस तरीके से भारत ने इन 5 T20 में क्रिकेट खेली है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब भारत जीतती है। तो अब बारी है वनडे सीरीज़ की, जो कि 5 फरवरी से शुरू होगी। वनडे सीरीज़ शुरू होने से पहले भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। झटका यह लगा है कि रोहित शर्मा वनडे सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ जो कि वनडे के बाद होने वाली है उससे वो बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर वनडे में मयंक अग्रवाल और टेस्ट में पृथ्वी शॉ को एज अ रिप्लेसमेंट भारत ने चुना है। और जो वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है उसमें हम न्यू ओपनिंग पेयर भी देखेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं हमें। और विराट कोहली ने खुद यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ एज आ ओपनर वनडे सीरीज़ में होंगे और साथ में केएल राहुल मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, यानी कि 5वें नंबर पर केएल राहुल बैटिंग करेंगे। जैसे कि अगर ये दोनों ओपनिंग करते हैं तो 3rd पोजीशन पर विराट कोहली, 4th पर अय्यर और 5th पर हम केएल राहुल को बैटिंग करते हुए देखेंगे। हालांकि केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी जनवरी में उसमें 5 नंबर पर बल्लेबाजी करी थी, काफ़ी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी करी थी और निर्णायक रन उस मैच में उन्होंने बनाए थे। तो वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केएल राहुल नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये 3 वनडे मुकाबले जो भारत को खेलने हैं न्यूजीलैंड में, किस तरीके से भारत खेलती है। क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा मैच विनर है रोहित शर्मा, वो इस वनडे सीरीज़ में नहीं है। 5th T20 में वो थोड़े से चोटिल हो गए थे, इस कारण उन्हें वनडे और टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं वो। तो दूसरे सलामी बल्लेबाज हैं जो शिखर धवन के बाद चोटिल हुए हैं और टीम से ड्रॉप हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा ज़रूर है, पर भारतीय टीम अभी भी पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल भी इतने बुरे बल्लेबाज नहीं है, काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा खासा अनुभव पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल को है, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी खेली है इन लोगों ने। और देखते हैं कल भारत का जो नया ओपनिंग पेयर है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अपने आप को साबित करने के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से ये दोनों परफॉर्म करते हैं और ये 3 वनडे सीरीज़ भारत के लिए काफ़ी निर्णायक होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत क्रिकेट खेल रही है न्यूजीलैंड में जाकर, मुझे लगता है कि आराम से भारत ये 3 वनडे मुकाबले आराम से निकाल लेगा। हालांकि न्यूजीलैंड भी जो T20 सीरीज़ हारा है वो मैं मानूंगा कि वो अपनी गलती से वो तीनों T20 जो लास्ट के 3 T20 हैं, 2 सुपर ओवर और 5th T20 आराम से न्यूजीलैंड जीत सकता था, पर पता नहीं लास्ट में जाके पैनिक करके और सब गड़बड़ हो जाती है उनसे। तो ये बहुत निराश हैं होंगे न्यूजीलैंड के फैंस भी, न्यूजीलैंड की जो डगआउट है, पूरा जो ड्रेसिंग रूम है, पूरा माहौल इस समय ख़राब होगा। पर ठीक है, भारत हावी रहेगा ऐसा मुझे लगता है वनडे सीरीज़ में भी। तो आप भी बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं इन 3 वनडे मैचों को और दो नए ओपनिंग पेयर है भारत के, पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, जो हमें लगता है कि यही ओपनिंग करने आएंगे। तो किस तरीके से आप इन दोनों पेयर को देखते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि केएल राहुल को ही ओपनिंग आना चाहिए था मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ के साथ, तो किस तरीके से आप ये देखते हैं। मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन है, क्योंकि केएल राहुल अगर ओपनिंग आते तो फिर मयंक अग्रवाल को 5वें नंबर पर उतारना उतना असहज होता, क्योंकि केएल राहुल ये काम एक बार कर चुके हैं और वो काफ़ी अनुभवी हैं, तो वो चीज़ फिट बैठती है इंडियन टीम के लिए। क्योंकि मयंक अग्रवाल को अगर हम 5 नंबर पर उतारते हैं तो मयंक अग्रवाल के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि 5 नंबर पर जाके वो भारत को फिनिशिंग टच दे। तो देखते हैं किस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी हमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप भी मुझे बताइए कमेंट्स में किस तरीके से आप देखते हैं इस डिसीज़न को। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सिल्वर क्रिकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।